गुड मॉर्निंग दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं। चलते हैं पाँच क्वेश्चन की ओर। तागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। तागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। इस तागे को, ऊन के तागे को, अल्पाका रेशा की उत्पत्ति, अल्पाका रेशा की उत्पत्ति किससे होती है? भेड़ से होती है। यह किस देशों में पाया जाता है? तो पेरू प्रदेशों में पाई जाती है। लामा के बालों की लंबाई होती है इसका 10 से 12 इंच। इससे रोएदार वस्त्र तैयार किए जाते हैं और कोट भी बनाए जाते हैं। मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता दर्शाती है? तो ऊनी रेशा का। मेडुला की उपस्थिति क्या है? ऊनी रेशा की विशेषता दर्शाती है। ऊनी रेशा का अंततः परत क्या है? मेडुला कहलाता है। मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? ऊनी रेशा की। आर्द्रताप व दाब, आर्द्रताप दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे फेल्टिंग कहा जाता है। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्मल रेशा है ऊन। ऊन सबसे निर्मल रेशा है। ऊन रेशेदार प्रोटीन है। ऊन पालतू भेड़ बकरे तथा याक से बनाई जाती है। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेशकों के ऊन से बनता है तो कैलिको ऊन बनता है। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा के पेशकों से बनता है तो क्या बनता है? कैलिको बनता है। पेशकों के ऊन से कैलिको ऊन बनता है। लामा ऊन जाति का पशु होता है। लामा ऊन प्रजाति का पशु होता है जो पेशकों के ऊन तैयार किए जाते हैं। धन्यवाद।